हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का दावा 2023 में फिर से राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जयपुर से लौटे बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने 2023 में फिर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। विधायक मेवाराम जैन सोमवार को बाड़मेर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि 2023 में फिर से राजस्थान में गहलोत सरकार आएगी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलने के बाद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन बाड़मेर पहुंच गए हैं। इस दौरान मेवाराम जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे प्रभारी ने हमारी बातचीत सुनी, 2023 में कैसे दोबारा सरकार बनाए, इन सब बातों को लेकर मैंने अपनी राय रखी है। ये दावा करता हूँ कि 2023 में इस बार भी राजस्थान में गहलोत सरकार फिर से रिपीट होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार पर मेवाराम जैन का कहना है कि हम सब विधायकों ने ये फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है, जो आलाकमान करेगी वही हमें मंजूर है। मेवाराम जैन के मुताबिक पिछले 28 सालों में बाड़मेर विधायक में जो कामकाज हुआ है, ये यकीन मानिए पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है। जो भी काम हम मुख्यमंत्री के पास ले गए, वो सभी कामकाज तुरंत प्रभाव से हुए हैं। विधायक ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि घोषणाओं के साथ साथ धरातल पर सारे काम अब दिखने लगे हैं। जब मेवाराम जैन से मंत्री बनने के बारे में सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि जो आलाकमान फैसला रहेगा वही हमें मंजूर होगा। गौरतलब है कि इस बात की जबरदस्त तरीके से चर्चा है कि अगर खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को हटाया जाता है तो उसकी जगह रिप्लेस के तौर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मेवाराम जैन बाड़मेर विधायक से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।